Osman! Artık kaçacak yerin kalmadı! At! Sapla! Eline bulaşan kanı Osman'ın kanıyla temizlemek için fazla vaktin kalmadı. Osman'ın ölüm haberi gelecek ve ben bu otağdan bey olarak çıkacağım. Bey Nikola bizim geleceğimizi bilirdi. İhanetin. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुर्लुस उस्मान का हर नया आने वाला ट्रेलर अपने साथ ऐसे मनाजर लेकर आता है जिससे और ज़्यादा तजस्सुस पैदा हो जाता है आने वाली किस्त के लिए। आज की इस वीडियो में ट्रेलर और आने वाली किस्त से मुतल्लिक आपसे बात करूँगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। जैसा कि आपने किस्त नंबर 47 में देखा कि उस्मान बे अपने साथियों के साथ जाल में फंस जाते हैं और फ्लातियस दूर से खड़े होकर खुश हो रहा है कि अब तो उस्मान बे किसी सूरत में भी नहीं बचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जाल से फंसे हुए उस्मान बे कैसे निकलेंगे, क्योंकि वो दोनों अतराफ से जाल में फंस चुके हैं। दोनों तरफ बाज़दीनी जो लोग हैं वो उनको घेरे हुए हैं। मेरे ख्याल में तो अरसलान बे हो सकता है उनको बचाने के लिए आ जाएं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तुरगत बे भी वापस आ सकते हैं। मुझे तो ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन आप लोग इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं दुंदार बे की तरफ, क्योंकि दुंदार बे एक गद्दार इंसान है और अब भी वो इस चीज़ के ख्वाब देख रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैं सरदारी की सीट पे बैठ जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है और ये हर एक इंसान जानता है जो कि ड्रामे से बखूबी वाकिफ है कि ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सरदारी की जो सीट है वो उस्मान के लिए ही है और आगे जाके उस्मान ही सल्तनत की बुनियाद भी रखेंगे। किस्त के आखिर में जो जंग दिखाई गई है वो जंग हो सकता है हमारे लिए भी गमगीन हो, क्योंकि ये एक खौफनाक जंग होगी जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आने वाली एक साथ में हम लोग ना देख सकें, क्योंकि उस्मान बे बहुत ख़तरनाक तरीके से जाल में फंस चुके हैं और इनको फंसाने वाले उनके अपने चचा ही हैं। इसलिए जो लालच होती है वो इंसान को किसी भी हद तक ले जाती है। क्या किसी नए किरदार की एंट्री होगी या नहीं और आने वाली किस्त में क्या बायोजा की शहादत हो जाएगी या नहीं, मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।